सच बहन जी, हर साल बाजार से इतने पैसे देकर हम केक मंगवाते थे, पर ये क्वालिटी जो है ना वो नहीं मिलती। हाँ। अरे बखान पे बखान किए जा रहे थे लोग। हम तो पहले ही कह रहे थे, पर ये विश्वास ही नहीं कर रहे थे हमारी बात का। चलिए, आप लोगों ने माना कि हमारी वजह से आपकी पार्टी में बहुत वाहवाह हो गई। सुषमा जी, आप ये लीजिए, उर्मी जी भी आ गए। नमस्ते। ए लड़की, कितनी देर लगा दी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुषमा जी, केक का एक और ऑर्डर आया है। अच्छा। उर्मी जी, सबसे पहले तो मेरा शुक्रिया स्वीकार कीजिए, आपने उस दिन बहुत ही शानदार केक बनाया। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और हम भी पार्टी रख रहे हैं, तो केक बना दोगी ना? बिल्कुल बना देंगे। और हाँ, देखो ऐसा केक बनाना है। जी आंटी, बिल्कुल ऐसा केक बन जाएगा, लेकिन ये फ्रूट केक में होगा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, सुषमा जी से हमने सारी बातें कर ली है। लड़की ठीक से समझ लो, बाकी हमने केक का रेट तय कर लिया, एडवांस भी ले लिया। जी सुषमा जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। तिवारी जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूँ, पीठ में दर्द है, उठ नहीं पा रहा। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। नमस्कार। चलो जी, केक का एक और ऑर्डर आ गया। वाह वाह, वेरी गुड। सुषमा जी, वो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं। कौन आ गया है? हाँ कहिए। दर्शन तिवारी जी। जी हाँ, मैं ही हूँ। हाय, मैं यश, लंदन से, आपके बेटे रवि का फ्रेंड। आप फ्रेंड हैं? जी हाँ, फ्रेंड। अरे हाँ भाई, कल हो जाएगा तुम्हारा काम यार, रखो फोन अभी। देखो दिमाग में होल करते रहते हैं। सम्राट बेटा, जी लो, हमने खास तुम्हारे लाने बनाया, खा के बताओ कैसा बना है। एक क्या ये हलवा? हरे रंग का? हाँ। क्या घास फूस डाल के बनाए हो? हाँ, खिला तो ऐसी नहीं जैसे साथ में लोरी गा के सुनाएंगी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। हाँ जी, क्या ये बेकार सी चीज? बेकार? तुम भी ना कुछ भी कहते रहते हो। ये मटर का हलवा है, कल हमने टीवी देख के बनाना सीखा था। है, खाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एक बार खा। मैं क्यों खाऊं, हमेशा मैं ही क्यों खाऊं? बस सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पे करने होते हैं आपको, क्या है, जानवर हूं मैं? ऐसा क्या कह रहे हो तुम हमें? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इन पे कीजिए एक्सपेरिमेंट, हमेशा बस मैं ही मिलता हूँ, इन पे कीजिए अपने पति देव पे। और बनाया किस खुशी में ये हलवा? उर्मी को कोई और मिल गया इसलिए, तभी सबका मुंह मीठा हो रहा है। अब क्या इसके बाद डांस परफॉर्मेंस भी करके दिखाएंगे? बताइए, डीजे बुलाता हूँ, इंतजाम करूँ डीजे का? बोलो जी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और एक बात बोले हम तुमको, उर्मी हमारे नहीं, तुम्हारे दिमाग में रहती है दिन रात। हाँ अच्छा, ये सब छोड़ो, जे ना खास हमने तुम्हारे लाने बनाया है, कहे कि आजकल तुम परेशान बहुत रहते हो ना, जे खाओगे तो तुमको खुशी मिलेगी। जे ला। सब समझता हूँ मैं, किसे खुशी मिल रही है सब समझता हूँ मैं, लेकिन बता दे रहा हूँ, ज्यादा मन ही मन खुश होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है? तो चाहती यही है ना, यही चाहती है ना कि चले जाए मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए उर्मी दूर। मन में लड्डू फूट रहा होगा खुशी के मारे, आज चक्कर चल गया उसका। कौन सी ऐड था, लड्डू फूटा मन में, कौन सी ऐड हो? भैया, उर्मी भाभी का कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है, और बार बार ऐसी ओछी बात मत कीजिए उनके बारे में। क्या है इसका चक्कर, क्या है अभी? हाँ, ये क्या स्पोक्स पर्सन लगी उसकी, प्रवक्ता? हाँ जी, मतलब 24 घंटे उसी का गुणगान। क्या पैसा देती है वो तुम्हें उसका फेवर करने के लिए? तुम्हारा भाई कह रहा है उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें, जब मैं कह रहा हूं उसे मैं अपनी आंखों से देख कर आया उसे और फटीचर अमृत को, फिर अरे बेवकूफ बना रहा तुम्हारा, वो पहले भी बनाता था अब भी बना रहा है, समझो बात को। क्या समझेगी, एक पैसे का दिमाग नहीं है इसके पास, समझेगी क्या? मुझे सब पता है भैया, जो आपने देखा वो आधा सच था,
अपनी भाभी और अमृत मिले थे, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हाँ? क्या बात हुई है उस आदमी से फिर से? नहीं भैया, उन्होंने नहीं कहा, मुझे खुद पता है। कैसे पता है? खाक पता है तुम्हें बेवकूफ की? पता है नहीं, पता है, पता लगा रखे। क्या मिला था? क्या मिला था? हाथ में हाथ रख के क्या करा था वहां पर? वो उर्मी भाभी से माफी मांग रहे थे उनका हाथ पकड़कर। अदिति ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये मिली है उससे, ये तो बात हुई है उससे, बता रहा हूं मैं। कुछ क्या बात हुई उससे, अमृत से? इधर देखिए, बात की अमृत से। या तो ये उसकी कहानी है जिसने तुम्हें सुनाई है, या ये उर्मी का रचा हुआ चोचला है जो तुम गा के सुना रही हो। क्या है, क्या ये, क्या बताओ मुझे। ना ये किसी की कहानी है, ना ही चोचला, बल्कि मैं वहां खुद मौजूद थी। मतलब ये कहाँ कह रही हो तुम? हाँ माँ, मैं वहां खुद थी। क्या मौजूद है, पागल है? मौजूद थी मैं वहां था, मुझे दिख ली तुम। फिर कैसे, क्या मिस्टर इंडिया बन गई थी, गायब हो गई थी? मैं वॉशरूम गई थी, वापस आई तो आपको देखा और डर के छुप गई। उर्मी भाभी को मैंने ही बुलाया था अमृत से मिलाने के लिए। काहे पर, किस लिए अदिति, काहे बुलाई तुम? पापा, वो अमृत का फोन आया था, मिलने के लिए कह रहा था, मैंने मना कर दिया, तो उसने कहा कि वो हमेशा के लिए दूर जा रहा है, आखिरी बार मिलके माफी मांगना चाहता है। इसीलिए मैंने सोचा अकेले नहीं जाऊंगी तो उर्मी भाभी को बुला लिया। भैया, अमृत उर्मी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांग रहे थे। जैसा आपने देखा वैसा कुछ नहीं था। उर्मी भाभी बिल्कुल पाक साफ है, उनके चरित्र पे उंगली मत उठाइए आप। क्या कर रहे हो तुम? तुम ठीक हो ना? सम्राट, ये क्या बात है, जवान बहन पर हाथ उठाया जाता है? अरे गलत करने पर जवान बहन को काट के फेंक भी दिया जाता है। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी पीठ पीछे इतने बड़े बड़े कांड करेगी है, उस हरामजादे से मिली है? अरे संभालिए अपनी लड़की को, हम दोनों के नाक के नीचे कांड कर रही है, क्या गुल खिला रही है, दिखाए। और जरा अपनी बहुओं से ध्यान हटाकर अपनी बेटी पे ध्यान लगाइए। सर दोबारा ऐसी गड़बड़ करी ना, बता रहा हूं मैं आपको, इसे तो मैं जिंदा गाड़ी दूंगा आंगन में खुदवाकर, आपको भी नहीं छोड़ूंगा, बैठक बना दूंगा आपको बैठक, फिर घिसक घिसक कर चलेंगे जिंदगी भर। समझाइए सर। थैंक यू। पानी में कुछ है, there's some dirt in there. देखो, एक तो है यार, और भी दूसरा पानी लिया उसके। एक मिनट, हमें दिखाओ। आप भी देख लीजिए, कुछ भी तो नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ है। हम दूसरा ले आते। क्यों लेके आओगी दूसरा? यहाँ इतना ही साफ पानी मिलता है, और इससे साफ पानी चाहिए ना तो जाके लंदन से ले आओ। In fact, मैंने भी वही सोचा था, you know, to get my own water from London, पर वो security issues, airlines and all, you know, allow नहीं किया उन्होंने। इसकी handwriting अभी भी बिल्कुल नहीं सुधरी है, क्योंकि वैसे की वैसी है जैसे बच्चों में हुआ करती थी। कितना समझाता था मैं इसको बचपन में कि भैया सुलेख की प्रैक्टिस किया करो, लेकिन नहीं, आज भी चिड़िया के पांव की तरह लिखता है ये।
ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं खामखा। और तुम ये दुकान समेटो और चलते बनो यहां से, एक सुई भी नहीं चाहिए उसकी। उसे कह देना कि हम मर गए हैं, और मरे हुए लोगों को इन चीजों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ प्रार्थना चाहिए होती, शांति चाहिए। बच्चे हैं क्या कि इनसे बहला रहा है हमें? आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, you know, after all, he's your son. And trust me, अब उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है, he feels really bad, बहुत पछतावा है उसको। पछतावा होता तो खुद आता ना, अपने दोस्त को तो ना भेजता। उसकी हिम्मत नहीं हुई, you know, वो आपसे बहुत डरता भी है। अच्छा, हमारे तो सींग लगे हुए हैं ना, डरावने जानवर है, खा जाएंगे उसे। बचपन में जब पैदा हुआ था ना, बेकार पाला उसे, पड़ोसियों को दे देना चाहिए था पालने के लिए। शर्मिंदगी की वजह से आपको फेस नहीं कर पा रहा है, वो आप दोनों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जब जरूरत थी तब मुंह भी नहीं दिखाया अपना, अब प्रायश्चित करना चाहता है, जरा सी खुशी की झलक दिखाकर हमें फिर से दुखी करना चाहता है। जाके कह देना उसे, हमें इतनी भी उम्मीद नहीं कि हमारे मर जाने के बाद हमारी चिता को हक देगा। अब ये सब बातें सुषमा जी, इसे बताने का क्या फायदा है? इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। बेटा अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। अच्छा, मैं ले लेता हूँ। सुषमा जी, हमारा कोई हक नहीं बनता आपको बोलने का, पर क्योंकि हम आपका दर्द और आपकी तकलीफ को समझते हैं, इसलिए बस आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हो सकता है सुषमा जी कि आपके बेटे को वाकई में अपने किए पर पछतावा हो रहा हो और वो वाकई में प्रायश्चित करना चाह रहे हो। देखिए सुषमा जी, एक बात तो तय है, बच्चे भले ही माँ बाप को भूल जाए, लेकिन जब बच्चों को जरूरत होती है तो माँ बाप जरूर हाजिर होते हैं। नाराजगी एक तरफ है, पर अगर आपका बेटा कभी किसी तकलीफ में होगा तब भी क्या आप उससे मुंह फेर लेंगी? नहीं ना सुषमा जी, प्लीज एक बार सोच कर देखिए। हमारे ऊपर हमारे बच्चे को डर लगता है गुस्सा से, समझते ही नहीं है जे तो। आ गए जे दोनों, काका ले आए तुम लोग। दादी, इसे कहीं बाहर लेके जाना मतलब गुनाह है, बस दुकान में जाकर फैल जाती है किसी चीज के लिए। अच्छा जे सब छोड़िए, आप देखिए हम कहाँ लेकर आए। अच्छा अच्छा जे, जे देखिए, इसी के लिए फैल पसर रही थी। दादी अब क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बातें कर रही थी वहां, इतनी शर्म आ रही थी, इज्जत बचाने के लिए हमने इसे खरीद लिया फिर। लेकिन बहू अभी बच्चे को आने में टाइम है, इतने पहले से खिलौने नहीं लिए जाते। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है, ये बच्चे के लिए नहीं है, ये तो बच्चे संभालने की प्रैक्टिस करने के लिए है। का मतलब? अरे मतलब जे दादी कि बच्चे के आने से पहले बच्चे को संभालने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। हा? हम काहे कर ले, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर को पाल पोस कर हम ही ने बड़ा किया है, हमें जरूरत नहीं प्रैक्टिस की, समझी? तुम ही करो। हे भगवान, दादी बस यही गलती कर जाती है आप। गौरव जी की और पापा जी की बात और है दादी, वो जमाने और थे। कलयुग है कलयुग, यहाँ बच्चे है ना पेट में से ही टीवी देख देख के सारी सिखाई सीख लेते हैं। अरे थोड़ी मेहनत तो हमको भी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो नाच नचा देंगे नाच। खबरदार, अगर किसी ने हमारी बिटिया का ख्याल नहीं रखा ना तो फिर देख लीजिएगा, और खास तौर से दादी आप, पोता पोती सब एक समान होते, इसको भी बराबर का प्यार दीजिएगा,
चलो बिटिया रानी हमें ना अंदर चलते हैं, ठीक है? गौरव बेटा जे समझ लो कि पिछले जन्म में किसी ऋषि मुनि ने शाप दिया था इसको झेलने का। जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपकी वजह से ही हो रहा है, आपकी वजह से भुगत रहे हम। हेलो, पता है मैं आपसे इंद्रदेश में हुआ ही नहीं। हाय, आई एम शारदा से राठौर। आपके हाथ गंदे हैं, गो वॉश इट। तो इसमें क्या है? बस लोक हो गया, अब ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन करना है ना? आपका नाम शौर्य, मेरा नाम यश। हो गया इंट्रोडक्शन, नाउ बाय, गो। बस और पेन कौन बोलेगा? आपको पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। या फिर बाकी सब लोग तो बोर है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको वो होने नहीं दूंगा। खूब मस्ती करेंगे हम दोनों। मेरे पास एक से एक खिलौने, मिलके खेलेंगे। अभी मैं जाता हूँ, फिर आता हूँ। बच्चे सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैला सकते हैं। सो हेट किड्स। बस भैया, यहाँ रुक दीजिए। हम दो मिनट में आते हैं, हम आगे वाले बाजार तक जाएंगे। मैडम जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, आ जाओ। सॉरी बेटा, बिल्कुल शैतानी मत करना। अपना पूरा टिफिन खत्म करना। हाँ? और इधर उधर का पानी बिल्कुल मत पीना, अपने ही बॉटल का पानी पीना, समझे? चलो बाय 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 सॉरी, बाय, लव यू बेटा, लव यू, बाय। आगे वाले बाजार से जाएं। बाय शौर्य। बाय। बाय मामा। बाय। आये मेरा राजा बड़ा है। गेट खोल बे। गेट खोल, गेट खोल, गेट खोल। बेटा है मेरा। रबर पेंसिल दिलवानी है बेटे को। राजा। रन 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 रन। कम तो पापा, कम तो कम कम। अरे कम भरो। अरे मेरा शेर बेटा, आ जाओ। जी अभी ना मेरे राजा बेटा, शेर बेटे वाली बात। कैसा है मेरा बहादुर बच्चा? ओले, क्या हो गया? उदास क्यों आप इतने? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, है ना? पापा, अपू कैसे पता कि मैं बीमार हूँ? लो भाई, पापा को नहीं पता होगा? कमाल करता है मेरा बच्चा। पापा आपसे इतना प्यार करते ना, इतना प्यार करते ना पापा आपसे, कि पापा को सब अंदाजा हो जाता है, सब पता चल जाता है। और मुझे तो परसों ही लग गया था गड़बड़ है कुछ। और पापा कितना परेशान हो गए थे पता है? कितना परेशान हो गए थे। फिर कल आप स्कूल भी नहीं आए। पापा मुझे बुखार था ना। ओले मेरे राजा बेटा, मेरे राजा बेटे को बुखार हो गया था। हाँ कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, पापा से मिल लिया ना। ऐसे भाग जाएगा घोड़े की तरह, टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ो। कैसे टुकड़ो टुकड़ो? भाई शाबाश। अच्छा भाव बताओ पापा को, सच सच बताना। मम्मा ने डांटा था ना आपको पापा से मिलने के लिए? मम्मा ने डांटा था ना आपको पापा से मिलने के लिए? देखा क्या कहा था पापा ने आपसे? क्या कहा था पापा ने? मम्मा डांटती हैं और डांटेंगी। और भाई हुआ ना, मेरे राजा बेटा मेरे बच्चे को डांट दिया। बताओ, प्यार तो करना आता नहीं, गिफ्ट देने आते नहीं, बस डांटना आता है, बस बस डांटना आता है। क्या चाहती हैं आपकी मम्मा? कि मैं भी आपसे ना मिलूं, आपको प्यार ना करूं, आपको गिफ्ट ना दूं, बस यही चाहती हूं। अब बताओ पापा ने, अब पापा ने क्या क्या सोचा था अपने शौर्य के लिए? हाँ क्या क्या सोचा था आपके लिए? अब लगता है कुछ भी नहीं कर सकते हम। क्या पापा, हमने क्या सोचा था? अरे आपको आइसक्रीम खिलाने लेके जाना था मुझे, आपकी फेवरेट वाली। अब कैसे जाएंगे? हम जा नहीं सकते अब। मम्मा ने मना किया होगा आपको मुझसे मिलने के लिए, पक्की बात है ना? क्या करें, अरे मम्मा का क्या करें। एक आइडिया है पापा के पास। क्या पापा? बताऊं? हाँ। आप ना बताना ही मत मम्मा को, क्या मुझसे मिलते हो गया काम पर?
फिर हम जाएंगे खाएंगे चॉकलेट खाएंगे आइसक्रीम खाएंगे। अब देखो बताओगे तो डांट पड़ेगी फिर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बहादुर बच्चे को कोई भी डांटे। क्या सोच कह रहे हो, दिमाग क्या चल रहा है? आप जाओ, आप स्कूल जाओ, चलो जाओ स्कूल जाओ। पापा ना आपसे मिलने आएंगे ना कोई गिफ्ट देंगे, जाओ परेशान मत हो आप। नहीं पापा, मैं आपके साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, फिर भी आप मम्मा को बताओगे फिर डांट पड़ेगी आपको, और क्या, अब मैं नहीं देख सकते। आप जाओ 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 चलो, शाबाश गो। नहीं पापा, मैं मम्मा को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। पक्की बात? आप पक्की बात? ये हुई ना बात, हम मम्मा को बताएंगे ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, सीक्रेट टॉप सीक्रेट है ना। मेरा शेर बच्चा।